समाधि के सोपान अध्याय 7। ध्यान की घड़ियों में आगे आत्मा स्वयं से कहती है, यह सत्य है कि परीक्षा की घड़ियां आती हैं तथा मानवीय दुर्बलताएं बलवती हैं, किंतु यह ज्ञान ही कि दुर्बलता ही पाप है यथा समय उसका नाश कर देंगी। क्योंकि एक बार जब तुम यह जान लोगे कि यह विष है, तब स्वाभाविक ही उससे घृणा करने लगोगे। जब तुम अपनी दुर्बलता को जान जाओगे, तब फिर वह दुर्बलता ना रह जाएंगी। तुमने अपनी कठिनाइयों का हृदय खोल कर रख दिया और जो तुम्हारे अंतर में है वह इसकी धाराओं को परिवर्तित कर देगा। जब तक हृदय में ईमानदारी है, तब तक यथासमय तुम अवश्य विजयी होंगे। और अध्यवसाय पूर्वक प्रार्थना करो, क्योंकि आध्यात्मिक संघर्ष में स्वयं के सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदा कदा ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अपने असली स्वरूप की झलक पा सकोगे तथा दुर्बलताओं को दुर्बलता के रूप में पहचान सकोगे। उस समय ईश्वर को पुकारो और वह तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम पर कृपा करेंगे। सिद्धांत एक बात है और जीवन दूसरी। यह समझ लो कि सत्य के संबंध में तुम्हारी बौद्धिक चेतना कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों ना हो, उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है, अनुभूति ही सर्वस्व है। तुम्हारे अंतर का पशु प्रबल है, किंतु आंतरिक प्रार्थना द्वारा उसे वशीभूत किया जा सकता है। प्रार्थना ही एक वस्तु है, केवल प्रार्थना ही वासना को जीत सकती है। ईश्वर के नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सतत सावधानी और सतत प्रार्थना ही तुम्हारा उद्देश्य हो और सर्वशक्तिमान के संदेशवाहक जो कि सहायक हैं आएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। निस्संदेह पथ बहुत लंबा है, पर उसका अंत निश्चित है। प्रार्थना गहरी प्रविष्ट होती है तथा प्रलोभन की शक्ति को नष्ट कर देती है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सतत प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो। विकारों के क्षणों में निराश ना हो, कभी च्युत हो भी जाओ तब भी निराश ना हो। प्रभु सदैव समीप हैं, वे तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी सच्चाई को जानते हैं, फिर भी उन्हें पुकारना ना छोड़ो। अपनी भूलों के समय भी प्रार्थना में दृढ़ रहो। प्रार्थना की गहराइयों से भी सभी वस्तुएं आती हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, आध्यात्मिक दर्शन और अनुभूति, इस धारणा को आधार बनाओ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं तथा उनका स्वभाव उस उत्तम गडरिये के समान है जो कि अपनी भेड़ों को, विशेषकर जबकि वे गलत रास्ते पर जाती हैं, मार्गदर्शन करता है। यह जान लो कि न्यायकर्ता के होने के पूर्व ईश्वर प्रेम स्वरूप हैं। तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम खोजो और तुम पाओगे, तुम दस्तखत दो और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। थोड़ी ही सी चेष्टा तो करो, वह भी तुम्हें धर्म के राज्य में पहुंचा देंगी। अहो, प्रत्येक प्रार्थना जो तुम करते हो, प्रत्येक बार जब तुम अपने हृदय को ईश्वराभिमुख करते हो, वह तुम्हारी साधना में सम्मिलित होगा और तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें पूर्ण बना देंगी। प्रार्थना पर निर्भर करो, यही उपाय है। तुम्हारा हृदय कितना ही तमस से आच्छन्न क्यों ना हो, प्रार्थना उसमें प्रकाश लाएंगी। क्योंकि प्रार्थना ध्यान है, प्रार्थना अपने आप में दर्शन है, प्रार्थना ईश्वर के साथ संपर्क है। यह तुम्हें परम प्रेम स्वरूप सर्वशक्तिमान से युक्त कर देती है। यह तुम्हारी आत्मा को मानो पंख देती है। यदि तुम कठिनाई में हो तो भी उठोगे, यदि पर्वताकार खलता भी तुम में आ गई हो और उसने तुम्हारी आध्यात्मिकता के प्रत्येक चिन्ह को ढक दिया हो तो भी प्रार्थना तुम्हें ऊपर उठा देंगी। अंतःकरण के भीतर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी शक्ति तथा प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट होगी तथा तुम ईश्वर की अभय वाणी के प्रमाण स्वरूप उन्नत हो जाओगे।
और तब तुम ईश्वर की महिमा बढ़ाने वाले गीत गाओगे और तुम्हारा हृदय स्वयं प्रभु की दया की महानता की गवाही देगा, तथा वे लोग जो कभी तुम्हें जानते थे आश्चर्य से कहेंगे, देखो वह एक संत हो गया है, सचमुच उसकी कृपा ही उसका न्याय है, तथा उसकी कृपा अनंत काल तक रहती है। चाहे जितने भी प्रलोभन शत्रु रूप में तुम पर आघात करें, प्रार्थना ना छोड़ो। प्रार्थना के द्वारा तुम अपने स्वभावों के चारों ओर एक ऐसा किला बना लो जो अवैध होगा, यहाँ तक कि नारकीय शक्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि भगवान प्रेम तथा अनुभूति के घनिष्ठ बंधन से तुम्हें अपने साथ बांध लेंगे, जो कि प्रार्थना से उपलब्ध होता है। हरि ओम तत्सत।